वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों, मैं संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो होगी जिस वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश की गई होगी कि हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर योर सीसीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर एग्जाम्स इफ यू आर टेकिंग इट इन इंग्लिश। तो अगर आपको इंग्लिश फेस करना है इन एग्जाम्स में, सीसीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, तो किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करें ये आपको समझाने की कोशिश की गई। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सीजीएल एंड सीएचएसएल 2019 यानी 2019 के लिए जो आपके एग्जाम से आगे जो भी एग्जाम्स होने वाले वहां ये आपको मिलेगा। वेरी यूजफुल वीडियो, वेरी यूजफुल वीडियो, रियली वेरी यूजफुल वीडियो। इसमें आपको क्या समझाया जाएगा कि हाउ यानी कौन सी चीज, मतलब कैसे, एंड विच पार्ट शुड बी प्रिपेयर, और कौन से पार्ट्स हम प्रिपेयर करें फॉर कॉमन एरर्स, यदि हमको कॉमन एरर्स की प्रिपरेशन करनी है, यदि हमको सेंटेंस इंप्रूवमेंट की प्रिपरेशन करनी है, और यदि हमको सेंटेंस फिलर्स यानी फिल इन द ब्लैंक्स की प्रिपरेशन करनी है। सबसे बड़ी चीज, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक समझाऊंगा जिस ट्रिक के द्वारा आप ये समझ पाएंगे कि एक कोई सेक्शन आप तैयार कर लें और उसके थ्रू आप तीनों सेक्शंस आपके तैयार हो सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं। ये सामने आपके हैं ट्रिक्स टू प्रिपेयर, यानी वो तरीके, वो ट्रिक्स कौन से हो सकते हैं जिनके द्वारा हम तैयार करें। क्या हमें तैयार करना है? हमें तैयार करना है कॉमन एरर्स, हमें तैयार करना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और हमें तैयार करना है सेंटेंस फिलर्स। ये तीन चीजें हमको तैयार करनी है जो सामने आप देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से एक यानी एक कॉमन एरर अगर हमारा प्रिपेयर हो जाता है तो हम किस तरीके से बाकी दोनों सेक्शंस भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें वही सेक्शंस रहेंगे जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह से बाकी सेक्शंस बिलोंग करते हैं। जो वर्ड्स से संबंधित आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिलर्स दिए जाते हैं, सेंटेंस फिलर्स, वो चीजें अलग होंगी। बाकी चीजें सब मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा, और तब तक जब तक कि आप सोच रहे हो तब तक इन वीडियोस को शेयर करते जाएं ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इनका लाभ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। ये देखिए यहां सामने आपके हैं कॉमन एरर, ये है आपका। यहां पे आप देखेंगे कि एक कॉमन एरर आपके सामने है, इफ यू हैड हेल्पर, If you had helped your brothers, यानी यदि आपने अपने भाइयों की मदद की होती, your brothers, they would succeed in their exams, तो वो अपने एग्जाम में सफल हो गए होते। आपको क्या लगता है वो कौन सा पोर्शन है जो इसमें एरर पोर्शन है आपका, मीन्स गलत है आपका? ध्यान से देखें और फिर मुझे बताएं आप। देख लिया आपने इसमें, अगर आप देख रहे होंगे ये जो क्लास आपकी है, इफ यू हैड हेल्पर योर ब्रदर्स, यदि आपने अपने भाइयों की मदद की होती, दे वुड सक्सीड इन देयर एग्जाम्स, गलत है ना? आपको याद होगा अगर ये क्लास आपकी इफ यू हैड हेल्प योर ब्रदर्स अगर पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरी क्लास जो है ये जो वुड है आपका, ये केवल वुड नहीं होगा, ये वुड है वो, और ये जो सक्सीड है वर्ब के थर्ड फॉर्म हो जाएंगे, तो जाएगा इफ यू हैड हेल्प्ड योर ब्रदर्स दे वुड हैव सक्सीडेड इन देयर एग्जाम्स। लेकिन अब आप देखें चीज कि आपने केवल एक कॉमन एरर नहीं तैयार किया है, आपने इसी के भरोसे एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एक सेंटेंस फिलर भी आपने तैयार कर लिया। चलिए देखते हैं कैसे। यही वाक्य मैंने सेंटेंस फिलर में भी आपको दिया है, सॉरी सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपको दिया है। If you had helped your brothers, यदि आपने अपने भाइयों की मदद की होती, they will have को underline किया गया, bold किया गया, और ये पूछा जा रहा है क्या improvement कर सकते हैं? अब आप कर सकते हैं। अगर आपको common error याद है कि they will have नहीं होगा, they would have होगा, तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये जो will have है वो would have है, ये इसका answer है, यानी will have के स्थान पे would have हो जाएगा। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपने सीखा, यानी आपने केवल कॉमन एरर आपने नहीं तैयार किया, आपने अपना सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपने तैयार कर लिया कि किस तरीके से हम उनको मैनेज कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं यही चीज सेंटेंस फिलर में अगर हमको दिया जाए, ये है आपके सामने है ना। इफ यू हैड हेल्प्ड योर ब्रदर्स, यदि आपने अपने भाइयों की मदद की होती, दे डैश तो सक्सीडेड इन देयर एग्जाम्स, वो अपने एग्जाम्स में सफल हो गए थे। यही चीज आपने कॉमन एरर में पढ़ा था, यही चीज आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट में किया था, और यही चीज आपको कहां दिया जा रहा है, फिलर्स में, सेंटेंस फिलर्स में। आप आराम से चॉइस कर सकते हैं कि यहां जो गैप है यहां पे क्या हो जाएगा, दे वुड हैव सक्सीडेड इन देयर एग्जाम्स। यानी अगर आप एक कॉमन एरर से संबंधित चीज तैयार कर लेते हैं तो आपका केवल कॉमन एरर नहीं तैयार होगा, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी तैयार हो जाएगा और आपका फिलर, सेंटेंस फिलर भी आपका तैयार हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जो हमारे कॉमन एरर्स में, जो हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, या जो हमारे सेंटेंस फिलर्स में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट भूमिका निभाते हैं। चलिए देखते हैं ये पोर्शन है, विच सेक्शन डू वी नीड टू प्रिपेयर, यानी वो कौन सा सेक्शन है जो हमें तैयार करने की क्या है आवश्यकता है। ये सबसे बड़ी चीज है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि हम क्या पढ़ें, क्या तैयार करें। कभी कभी वो इतना ज्यादा पढ़ते हैं कि जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, सुपरफ्लुअस होती हैं, वो भी वो पढ़ते जाते हैं और उसका उनका टाइम जो है वो खराब होता है, वेस्ट होता है। तो व्हाट शुड यू रीड, आपको क्या पढ़ना चाहिए, यहां पर आपको यही समझाने की कोशिश की गई। आपको पढ़ना चाहिए पूरा अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे होना चाहिए, आपका फोकस प्रीपोजिशन पे होना चाहिए, आपका फोकस नाउन पे होना चाहिए और आपका फोकस कंजंक्शन पे होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब मैंने इनके एग्जांपल्स दी कैसे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, अगर वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है या नाउन का क्वेश्चन है या फिर प्रीपोजिशन का है या फिर आपके कंजंक्शन का क्वेश्चन है। मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाया, अपने से भी कोशिश करिएगा। पहला एग्जांपल है आपका द ज्यूरी हैज अपॉइंटेड अ फाइव मेन कमिटी। जैसे ही आपने पढ़ा अ फाइव मेन कमिटी, आप समझ गए होंगे कि ये एग्जांपल आपको नाउन के सेक्शन से आपको दिया गया है, जहां पे ये फाइव मेन है। आपको याद होगा जब आप कंपाउंड नाउन के रूप में यूज करते हैं तो नाउन के पहले वाला जो शब्द होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ये मेन जो है मेन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा द ज्यूरी हैज अपॉइंटेड अ फाइव मैन कमिटी हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका देखें नाउन से दिया गया था, नाउन पर आधारित क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड फ्रॉम दिस कॉलेज हैज मेड देयर नेम एंड फेम। तुरंत आप समझ गए होंगे ये जो हैज है आपका ये किससे बिलोंग कर रहा है, द स्टूडेंट्स से। अगर द स्टूडेंट्स है तो हैज कैसे होगा, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा आपका। यानी यहां पे आपका जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन दिया गया था कि अगर सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है तो फिर इसकी वर्ब क्या होगी, हैव हो जाएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आपको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर थ्री, नो पर्सन शुड डिस्क्राइब अबाउट दीज इवेंट्स सो केयरलेसली। किसी को भी इन इवेंट्स को इतना केयरलेसली नहीं डिस्क्राइब करना चाहिए। आपको याद होगा जब आप डिस्क्राइब का प्रयोग करते हैं, जब आप डिस्कस का प्रयोग करते हैं, जब आप ऐसा कोई वर्ड जब इन्वेस्टिगेट का प्रयोग करते हैं, एंटर का नॉर्मली यूज करते हैं आप, असिस्ट का प्रयोग करते हैं, रीच का प्रयोग करते हैं, ऑर्डर का प्रयोग करते हैं और भी बहुत सारे, विजिट है आपका, अटैक है, अगर आप इनका वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो इनके साथ किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें डिस्क्राइब डिस्कस बहुत बार आपको एग्जाम्स में आपको दिया गया है तीनों वर्ड्स डिस्क्राइब डिस्कस और डिफाइन। तो आप जानते हैं इनके साथ अबाउट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप, ये अबाउट यहां पर गलत। ये किससे संबंधित प्रश्न है आपका,
प्रीपोजिशन से संबंधित, यानी प्रीपोजिशन संबंधित रेगुलर क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, ये अपना जरूर प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दिया, सिंस ही हैज बीन अ ग्रेट स्कॉलर, चूंकि वो एक बहुत महान विद्वान रहा है, सो पीपल लाइक हिम वेरी मच, इसलिए लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, बहुत अधिक पसंद करते हैं। क्या एरर समझ में आ रही है आपको? अगर आप कंजंक्शन संबंधित एरर समझते हो तो ये जो सो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये सो सिंस के साथ नहीं आया, यानी जो सिंस है इस सिंस के साथ आपको दूसरा कंजंक्शन सो या एज वगैरह का प्रयोग नहीं करना होता है, तो बी पोर्शन गलत है। ये आपको दिया गया कंजंक्शन, यानी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन विशेष रूप से तैयार करना चाहिए, बाकी चीजें आप हल्की भी रखेंगे तो बहुत आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, टेंस से संबंधित आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया, ही सेड दैट ही कुड डू दैट वर्क, कि वह उस कार्य को कर सकता है, बट ही विल नॉट डू, लेकिन वो करेगा नहीं। आप तुरंत समझ जाए अगर पहली क्लास आपकी पास्ट है तो दूसरी में विल कैसे होगा, गलत है। विल के स्थान पे क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। ये आपके वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के या फिर टेंस से संबंधित जो एरर्स दी जाती वो एरर्स आपको दी गई है। और एग्जांपल्स हैं टेंस पे संबंधित, ये सामने आपके, दे हैव टोल्ड अस दैट दे हैव बीन रीडिंग देयर बुक्स सिंस टू डेज, बिल्कुल इसी है, बट एग्जाम से मैं आपको दे चाहते हैं, अगर यहां सिंस है तो टू डेज है ना, यहां पे तो टू डेज बता रहा है कि आप सिंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप किसका प्रयोग करेंगे? फार का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल भी देखें आप, वी आर नॉट एग्रीइंग विद यू ऑन दिस टॉपिक, तुरंत समझ जाए कि आप एग्री का प्रयोग, नो का प्रयोग, बिलीव का प्रयोग, अंडरस्टैंड का प्रयोग, बिलोंग का प्रयोग, ये जो जो भी वर्ड्स है, कॉस्ट का प्रयोग, हैव का प्रयोग, ओन का प्रयोग, प्रीफर का प्रयोग, हेट का प्रयोग, लव का प्रयोग, थिंक का प्रयोग और भी लोथ का प्रयोग, ये ऐसे वर्ब्स हैं जिन्हें नॉर्मली आप कंटिन्यूअस में नहीं यूज करते हैं। तो जैसे आपने देखा कि वी आर नॉट एग्रीइंग है, आप तुरंत समझ जाए ये पोर्शन क्या है आपका, गलत है, यहाँ पे वी डो नॉट एग्री होगा। नेक्स्ट सेगमेंट आपका क्वेश्चन टैग से आपको दिया जाता है, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, आई एम डूइंग माई वर्क वेरी केयरफुली, मैं अपना कार्य बहुत ध्यानपूर्वक कर रहा हूं, एम एंड आई, देखते आप समझ जाएंगे ये क्वेश्चन टैग गलत है, क्योंकि अगर आई का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो आई का जो क्वेश्चन टैग होता है बनाया जाता है वो एम एंड आई नहीं होता है, जानते होंगे आरंट आई होता है, यानी ये सेक्शन जो एम एंड आई है आपका वो गलत है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन टैग से दिए जाते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन से सेक्शंस हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ये सेक्शन आपको दिख रहा है, इनवर्जन है, जो रेगुलरली आपके एग्जाम्स में दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने दो, ऑन नो कंडीशन आई विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल। अब जो भी बच्चे इनवर्जन पढ़े, जो बच्चे इनवर्जन पढ़े वो तुरंत समझ जाएंगे, अगर ऑन नो कंडीशन वाक्य के आरंभ में है आपके, ये जो आई विल एक्सेप्ट है इसका स्ट्रक्चर उल्टा हो जाएगा, ये विल जो है ये आई से पहले आना चाहिए था, न कि उसके बाद, आई जो है विल के बाद जाएगा, यानी ऑन नो कंडीशन विल आई एक्सेप्ट हो जाएगा, ये इनवर्जन का आपको दिया जाता है। एक और एग्जांपल मैंने दिया जो बहुत बार एग्जाम में आपको दिया गया है, हार्डली ही है, तुरंत समझ जाए आप हार्डली ही है कैसे होगा, या तो आप ही हैड हार्डली लें या हार्डली हैड ही का प्रयोग करें, यानी ए पोर्शन में आपका गलत है। आप ये सब चीजें आप तैयार करेंगे आगे, यदि आपको सफल होना है एग्जाम्स में इंग्लिश में तो हर हाल में आप तैयार करेंगे आप। नेक्स्ट सेक्शन है जो एग्जाम में आपको दिया जाता है और जो रेगुलरली दिया जाता है वो आप समझते हैं, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस, रेगुलरली आपको इसके एग्जाम्स में क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लिए मैंने, If I was young again, आगे बढ़िए ही नहीं आप, If I was young again नहीं होगा, ये जो was है जब unreal past दिखाया जाता है तो past indefinite का plural use करना है, तो If I was young again नहीं होगा, If I were यहां हो जाए, यानी was के स्थान पे were हो जाएगा।
अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, हैड ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स हियर ही वुड नॉट बी डिफीटेड। ये जो हैड ही कॉल्ड बता रहा है कि आपने पास्ट परफेक्ट लिया हुआ है। अगर आपने पास्ट परफेक्ट लिया है तो आप जानते हैं इसके बाद आपका कौन सा टेंस आएगा, पता है आपको कि वो टेंस आपका वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से होकर आएगा। यानी ये जो ही वुड नॉट बी डिफीटेड है, ही वुड नॉट हैव बीन हो जाए, ही वुड नॉट हैव बीन डिफीटेड होगा, तब आपका ये पोर्शन सही माना जाएगा। यानी यहां भी आपका बी पोर्शन में एरर है। एक और एग्जाम्पल मैंने कंडीशनल का दिया आपको, बट फॉर नॉट योर हेल्प ही वुड नॉट हैव पास्ट दिस ईयर। आप जानते हैं ये जो बट फॉर है ये पहले से ही नेगेटिव होता है, इसका अर्थ विदाउट होता है, तो अगर ये पहले से नेगेटिव है तो आप नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, ये गलत माना जाएगा। यानी ए पोर्शन में एरर है आपका, ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए फास्ट थोड़ा सा आपके साथ हूं क्योंकि ये सेगमेंट सारे पूरे करने देख रहे हैं आपको, और यहीं पे आप तैयार नहीं करने लगे, आप हर हाल में आगे इन पर मेहनत करेंगे तभी आप तैयार करेंगे। बस यहां मेरा टारगेट ये है उन बच्चों के लिए जो बच्चे ये पजल्ड होते हैं क्या क्या पढ़े, क्या क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बस मैंने ये वीडियोस बनाए हैं कि वो बच्चे जान लें कि ये सेगमेंट्स तैयार करना मस्ट है यदि उन्हें अपने एग्जाम्स को बेट करना, क्रैक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका पॉजिटिव वर्ब से आपको रेगुलरली क्वेश्चंस दिए जाते हैं, देखते हैं। ही मेड हिज ब्रदर टू लाफ लाउडली। आप जानते हैं जैसे एक्टिव वॉइस में आपने मेड लिया, ये जो टू आप ले रहे हैं ये गलत है, आप मेक के साथ आप एक्टिव वॉइस में टू का उपयोग नहीं कर सकते, ये पोर्शन गलत है आप, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक पैसिव वॉइस में रहेगा सही माना जाएगा। एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, रवि गॉट मोहन डन हिज वर्क। जब आप उस व्यक्ति को पहले रख रहे हैं जिसके द्वारा आपने कार्य कराया है तो फिर वो मोहन यही है, तो जब ये पहले आ गया ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो रवि गॉट मोहन डू हिज वर्क हो जाएगा। मैं जानता हूं आपके समझने में यहां पे दिक्कत आ रही होगी, लेकिन विश्वास करें मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं कि क्या क्या पोर्शन हैं जो आपको तैयार करना। तो अगर आपको यहां लगे कि सर फास्ट बता रहे हैं तो सर इसलिए फास्ट बता रहे हैं क्योंकि यहां पढ़ाने के लिए नहीं, ये अलग अलग सेगमेंट्स में आगे पढ़ा सकता हूं, लेकिन अभी बस मैं ये बता रहा हूं कि ये सेगमेंट्स आप जरूर तैयार करिएगा। ठीक, आगे बढ़े। ओके, ये सेगमेंट है आपका मॉडल का, मॉडल आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हर चीज के लिए। दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, पहला है वी नीड नॉट टू डू। जैसे आपने नीड नॉट एक साथ देखा तो आप तुरंत समझ जाए मॉडल के साथ टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो नीड नॉट डेयर नॉट वगैरह के साथ आप टू ना लगाएं, तो ये पोर्शन आपका गलत है, बी पोर्शन। एक और एग्जाम्पल है, दीज बॉयज हैड नॉट बेटर। जैसे ही आपने हैड नॉट बेटर देखा, तो अगर आपने मॉडल्स पढ़ी हैं तो आप जानते हैं हैड बेटर और वुड रैदर, ये दो ऐसी मॉडल्स होती हैं जो नॉट अपने साथ हैड या वुड के बाद नहीं, बेटर या रैदर के बाद आए। यानी वाक्य होना चाहिए था दीज बॉयज हैड बेटर नॉट, जबकि ज्यादातर बच्चे ऐसा कर देंगे कि नॉट को पहले रख लेंगे, तो दीज बॉयज हैड बेटर नॉट होगा। ये मॉडल से संबंधित एरर्स आपको दी जाते हैं। कुछ और एक दो सेगमेंट्स और हैं आपके, देख लें। इनकोएटिव वर्ब्स, शायद कुछ बच्चे न जानते हो न पढ़े हो आप इसको, लेकिन जरूर तैयार करिएगा। देखिए एक एग्जांपल मैंने दिया, द टॉल मैन ग्रीव सस्पिशियसली। ग्रो का प्रयोग जब होने के अर्थ में होता है, गेट का प्रयोग, कम का प्रयोग, गो का प्रयोग और फॉल का प्रयोग, रन का प्रयोग, इनका प्रयोग जब होने के अर्थ में करते हैं इनके साथ कभी भी एडवर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते, एडजेक्टिव का प्रयोग करना होगा। तो द टॉल मैन ग्रीव सस्पिशियसली नहीं होगा, सस्पिशियस हो जाएगा, यानी सस्पिशियसली गलत है, सस्पिशियस हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ, बिल्कुल अपने ये इंक्वेटिव लास्ट था, यहां छूट गया आपका कुछ, ये वॉयस छूट गया था जो मैंने देख लिया। वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस संबंधित दिया जाता है। ही वॉज नॉट कॉलिंग बाई हिज फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप, ही वॉज नॉट कॉलिंग बाई हिज फ्रेंड्स। बाई हिज फ्रेंड्स बता रहा है कि उसे उसके मित्रों के द्वारा बुलाया नहीं गया था, बुलाया नहीं जा रहा था,
तो he was not calling कैसे होगा? By his friends बता रहा है, आपका स्ट्रक्चर पैसिव है, ये जो कॉलिंग है ये कॉलिंग नहीं होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाए, he was not called होगा न कि कॉल्ड हो जाए। ये सिर्फ एक छोटा सा मेरा प्रयास है, मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं इस पूरे सेट के माध्यम से क्या क्या चीजें हैं जो हमें प्रिपेयर करनी है, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जो हमको तैयार करना है। तो बस इतना है, फिर से एक बार जल्दी से देख लें, सिर्फ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स ये आप देख लें। आपको पार्ट्स ऑफ दिस पेज तैयार करना है, उसमें भी आपको नाउन, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंजंक्शन पे खास मेहनत करनी है। आपको टेंस अपना तैयार करना है, उससे संबंधित जो एरर्स दी जाती हैं वो तैयार करेगा। आपको क्वेश्चन टैग तैयार करना है, जरूर तैयार करिएगा, हर हाल में एग्जाम्स में दिए जाते हैं। आपको इन्वर्जन तैयार करना है, हर हाल में आपके एग्जाम्स में दिए जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस तैयार करना है, जरूर आपको दिए जाते हैं। पॉजिटिव वर्ब रेगुलरली नहीं बट आपको दी जाती है। वॉइस के क्वेश्चंस आपको रेगुलरली दिए जाते हैं। मॉडल से संबंधित क्वेश्चंस आपको रेगुलरली दिए जाते हैं और इनपोएटिव वर्ब्स कभी कभी आपको दी जाती है। ये वो सेगमेंट्स हैं जो जरूर तैयार है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा केवल इतना है, वो बच्चे जो न समझ पा रहे हैं, न समझ पाते हैं, बिगिनर सभी हैं, लर्निंग अवस्था में, कि उन्हें क्या क्या पढ़ना है, किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने हैं, बस यही मकसद रख करके कई दिनों से चल रहे दिमाग में इस विचार को मैंने यहां प्रारूप दिया। मैं आपके सामने इसे एग्जैक्टली प्रस्तुत किया कि आप जान जाएं कि कौन कौन सी चीजें हमको तैयार करनी है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत पसंद आई हो तो जरूर अपने लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। अगले कल ध्यान रखिएगा, कल 9 बजे से मेरी क्लास शुरू होगी आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ, और एडिटोरियल आज मैं देना था लेकिन कोशिश करूंगा मैं जल्दी ही उसके साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।